दोस्तों, अगर आपकी बाइक का भी अगर फ्यूल मीटर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको कैसे चेक करना है कि हमारा फ्यूल मीटर में क्या ख़राबी है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि आपका इग्निशन जो है ऑन कर लेना है, और ये जो हमारा टंकी के अंदर जो टंकी उतारने के अंदर जो हमारे ये जो आपको कपलर दिख रहा है, इस कपलर के अंदर आपको पेचकस डाल के देखना है। दोनों जो कपलर के अंदर दोनों तार हैं उसको पेचकस से मिला देना है, और आप देख सकते हैं कि दोनों तार कपलर में मिलाने के बाद हमारा जो मीटर की सुई है वो काम कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पेचकस हमने लगा रखा है और ये हमारा मीटर यहाँ से ऑन है। एक बार छोड़ के दिखाना भाई। अब आप देख सकते हैं कि ये सुई वापस जा रही है अपने आप। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मीटर की जो वायरिंग और जो हमारा मीटर है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें ख़राबी कहाँ है आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ख़राबी हमारी इसके फ्यूल गेज जो है हमारा टंकी के अंदर है उसमें ख़राबी है। ये हमारी जो कपलर की इनपुट जो पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट हमारा वायरिंग के साथ कनेक्ट होता है जो आप देख रहे हो। हमने जिसमें पेचकस डाल के आपको बताया था कि मीटर कैसे चेक करते हैं आपको, तो आपको ऐसे ही चेक करना है कि हमारा फ्यूल मीटर काम क्यों नहीं कर रहा। अगर यहाँ पेचकस लगाने के बाद अगर आपकी सुई उड़ जाए तो समझ जाइए कि आपकी वायरिंग और मीटर फ्यूल मीटर जो है वो सही है। तो आपको ख़राबी मिलेगी यहाँ।